हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हमारे यहाँ हल्दी का प्रोग्राम है। तो हल्दी के दिन हमारे यहाँ यूपी में जैसे सारे कार्यक्रम सब पीले ड्रेस में रहते हैं, लड़के सब पीला पहनते हैं और औरतें सब पीला पहनती हैं। तो आज सभी लोग पीले पीले नहीं दिखाई देंगे। तो जैसे जैसे प्रोग्राम होगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और आज सब पीला ही ड्रेस पहने हैं। देखिए, मैं भी पीले में हूँ और हमारी पोती है, देखिए ये भी पीले ड्रेस में। आ जाओ अनाया, अनाया ये देखिए, देखिए ये भी पीले में है अनाया। और मैं दिखाऊंगी, देखिए हमारी देवरानी लोग बैठी हैं, ये लोग भी पीले ड्रेस में है, सब पीला पीला ही पहनी है। आज हल्दी का प्रोग्राम है तो सब पीले में ही दिखाई देंगे और मैं आप लोगों को दिखाती रहूंगी। चलिए ठीक है। तो ये देखिए, हल्दी वाले दिन ये परछावन का काम हो रहा है। जैसे हल्दी के दिन हमारे यहाँ डाल ही, जो डाल है इसमें मतलब दुल्हन के साथ का सामान जाता है उसके ससुराल में, जैसे सिंघोरा, सिंदूर, सुपारी सब होता है, बहुत सारी प्रथाएं होती हैं। तो ये परछावन का काम हो रहा है। जो सुहागिन औरतें होती हैं वो परछती हैं। तो देखिए हमारे जेठ की बहू है, दोनों परछ रही हैं, हम लोग भी परछे हैं। तो मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो मैं अपना तो दिखा नहीं पाई। और ये देखिए परछावन का काम शुरू हो रहा है। परछावन होगा, उसके बाद जनेऊ का कार्यक्रम होगा। देखिए सब लोग परछ रहे हैं। इसमें सिंदूर और तेल लगाया जाता है, जो डाल लेकर आते हैं, मोर लेकर आते हैं, ये सब मतलब बहुत सारी प्रथाएं होती हैं हल्दी वाले दिन, छोटी छोटी। और मातृ पूजन, देव पूजन का कार्यक्रम होता है। तो ये सारा इस दिन पूरे दिन हम लोग बिजी रहते हैं। देखिए परछावन का काम हो रहा है, सब लोग परछ रहे हैं। बारी बारी करके सब लोग परछते हैं और इसके साथ में गाना भी गाया जाता है, परछावन का गाना होता है। तो और ये देखिए जो कलश बना के रखा है, एक कलश है, इसमें पानी भर के और इसी का भी पूजन होता है, इसका भी पूजन होता है। इसमें मतलब ये जो कलश का कार्य है इसको हमारे यहाँ बुआ बनाती है। जैसे बुआ जो कि उनको नेगहरू कहा जाता है, हमारे यूपी में बहुत सारी प्रथाएं होती हैं। तो ये नेग का कार्यक्रम है, बुआ जो कलश बनाएंगी तो उनको नेग दिया जाता है, जैसे पैसा दिया जाता है। और देखिए मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, और ये सारा कार्यक्रम मतलब हल्दी वाले दिन, जिन हल्दी लगता है, जनेऊ होता है, परछावन का कार्यक्रम होता है। और बरुआ मतलब अटबरुआ, जैसे जो कुंवारे लड़के होते हैं आठ दूल्हे के साथ खाते हैं, उसको मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगी अभी, जो खाते हैं अटबरुआ करके। देखिए सब बहुएँ हैं जो कि तैयार हो रही हुई हैं। और ये हमारी अनाया है, ये भी पीले ड्रेस में है और ये भी घूम रही है, ये तो अपना इसका अलग ही रहता है। और ये देखिए हमारी दाई हैं, ये हमारी बहू है, ये देखिए हमारी बहू भी पीली साड़ी में रेडी है। और ये हमारे देवर की बहू है, ये भी पीली साड़ी पहनी है। अब की बार इन लोगों का थीम था कि हम लोग साड़ी ही पहनेंगे, वैसे तो सब लहंगा वगैरह पहनती हैं, लेकिन बहुओं ने कहा कि हर प्रोग्राम में, फंक्शन में हम लोग साड़ी पहनेंगे। तो देखिए, और ये देखिए ये हमारी दाई हैं जो डेली आती हैं, काम करती हैं, तो ये भी पीला पहनी है। और ये देखिए सब घर के सदस्य हैं, सब पीली 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 साड़ी पहनी। अब ये देखिए जनेऊ का कार्यक्रम हो रहा है। तो जनेऊ में होता है कि हमारे यहाँ जनेऊ का कार्यक्रम जो पंडित जी करवाते हैं, भी हल्दी वाले दिन होता है। ये देखिए दूल्हे को जनेऊ पहनाया जा रहा है। देखिए इसमें पांच लोग, जिनकी शादी हुई रहती है वही पांच लोग रहते हैं, और पंडित जी मंत्रोच्चारण के साथ जनेऊ का कार्यक्रम करते हैं। इसके बाद हल्दी चढ़ाया जाता है, देखिए जनेऊ हो रही है। इसके बाद लड़के को हल्दी लगाया जाएगा। देखिए देखिए जनेऊ पहन रहा है लड़का, मतलब सारे रीति रिवाज बहुत ही पारंपरिक तरीके से होता है, विधि विधान से, कोई कहीं भी रहे
लेकिन ये सब रीति रिवाज जो होता है बहुत अच्छे से किया जाता है और अच्छा भी रहता है सारी चीज़ें। पहले के जमाने में लोग बताते भगवान राम का जनेऊ होता था। ये देखिए सब बच्चे बैठे हैं, अभी जो हल्दी का डेकोरेशन हुआ है पीछे देखिए, यहाँ पे डांस वांस का प्रोग्राम है, सारा डेकोरेशन करके तैयार है हल्दी का। और ये देखिए आठ बरुआ लोग खा रहे हैं और ये पंडित जी को पैसा दिया जा रहा है। मैंने पंडित जी ये देखिए और जनेऊ के बाद भीख का कार्यक्रम से भीख डाला जाता है, भिक्षा होता है, तो ये भी हुआ। और ये देखिए सारे संस्कार लगा के अपना पीली हुई है। उसके बाद देखिए डांस का प्रोग्राम शुरू हो गया, अब देखिए डांस हो रहा है, सब लोग डांस कर रहे हैं, हम लोग भी हैं क्योंकि लड़कियां हैं जो। देखिए सब डांस कर रहे हैं, इधर कई देर से हमारा ब्लॉग पड़ा नहीं क्योंकि हम लोग इतने ज़्यादा बिजी हो गए थे, मैंने सारा ब्लॉगिंग करके रख लिया। तो देखिए सारे लड़के डांस बड़ी हल्दी सबके लोग सब डांस कर रहे हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो देखिए सब डांस कर रहे हैं, सब अपने ही मज़े में इंजॉय कर रही हैं, सब मज़े कर रही हैं। तो ऐसे हर दिन का मैं ब्लॉग आप लोगों को दिखाऊंगी और आप लोग ऐसे देखते रहिए। बहुत मतलब एक ही अगर बनाऊंगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए मैं थोड़ा छोटा छोटा वीडियो बना रही हूँ। तो आप लोग ऐसे वीडियो को देखिए और अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। फिर हम आपको अगले चैनल में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।